शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया। जब पिछवाड़े में नहीं होगा तो बीच में काहे कूदा। हम पूरे देश के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं इस फिल्म को धूल चटा। Hey guys, welcome to India Reaction Video. उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो लोग पठान का बॉयकॉट कर रहे थे, पब्लिक का मूवी को देखने के बाद उन लोगों पर क्या रिएक्शन आता है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ससुरा सबको शाहरुख थोड़ी मिलेगा, उस सबको नहीं शाहरुख मिलेगा, उस सबकी औकात नहीं है कि शाहरुख से भेंट करने, उस सब हमको ढूंढ के काम चलाएगा सारा कि उसको लोग हीरो मानते हैं, हम तो हीरो मानते ही नहीं है। और प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे मनीष कश्यप को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, वो है कहाँ? बड़का पत्रकार है, बहुत बड़ा चैनल है बिहार का, वो ये है कौन? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नहीं होगा, मैं मनीष कश्यप को तो ढूंढ रहा हूँ, वो है कहाँ? मिल जाएगा तो क्या करिएगा? अरे वो उसको मैं इंटरव्यू दूंगा। कैसा इंटरव्यू? इसको स्पेशल में कोने में रखने वाला हूँ। समझ रहे हो, स्पेशल इंटरव्यू, समझ रहे हो? वाह क्या सीन है। जब एक हाथी चलती है ना रोड पे तो कुत्ता बहुत भौंकते हैं, ठीक है? तो हाथी का काम होता है सिर्फ चलना, कुत्तों को इग्नोर करना। मनीष कश्यप कुत्ता है। मनीष कश्यप, मैं अब आप खुद मान रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? बाप की औकात नहीं है कि एक फिल्म फ्लॉप कर पाए, इसकी औकात है एक फिल्म, एक भोजपुरी फिल्म तो फ्लॉप नहीं करवा सकता। यह जो है शाहरुख खान का फिल्म पठान फ्लॉप करवाने चला था। और ऐसे टट्टी बाज बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू दिए थे पठान फिल्म रिलीज से पहले, जो पठान फिल्म फ्लॉप होगी और इस फिल्म को जोरदार बॉयकॉट करें। उन नमूनों का मैं चेहरा दिखाऊंगा और उसकी धज्जी उड़ाऊंगा उन टट्टी बाजों का, और इस वीडियो में आप लोग पूरी इंजॉय करें। शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया। जब पिछवाड़े में नहीं होगा तो बीच में काहे कूदा? हम पूरे देश के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं इस फिल्म को धूल चटाओ। वो कह रहे हैं कि मैं छोटी छोटी ये हवाओं से नहीं, ओ शाहरुख खान छोटी छोटी हवाओं से नहीं, तुझे चल से उखाड़ के सनातनी को फेंक दिया। भाई मैं क्या बोलूं इन टट्टी बाजों को, मैं सोचता हूँ ना कि भाई पागलों की कमी नहीं है, बस सच बात बताता हूँ, पागलों की कमी नहीं है इस धरती पे। ये क्या क्या बोल रहे हैं भाई, सभी भी के मतलब भाई सही से तू बोल तो, शाहरुख खान समझते हो शाहरुख खान है, जानते हो ना उनकी जो औकात है ना, उसकी तुम पैर के धूल के बराबर नहीं हो और चलते हो शाहरुख खान को मिटाने। और एक सर ने ढोंगी बाबा को जमकर धोया है और उनका जो एक क्लिप है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सोच रहा हूँ मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ। नहीं नहीं, आजकल हर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो मैं भी बन जाऊंगा तो क्या बुरा है। प्रधानमंत्री बनना आज ऐसा हो गया जैसे कि रेवड़ी का दुकान पे जाके 10 रुपए की रेवड़ी खा के कटकटा के उसे सुबह निपटा देना। प्रधानमंत्री पद ना हो गया हलवा हो गया कि हर कोई अपने कटोरी में लेके 2 चम्मच खा ले रहा है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो ऐसे ऐसे नमूने हमारे देश में पड़े हैं जो खुद प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे मान रहे हैं, देखना चाहेंगे? ए बोल बे। राजनीति में जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे राम राज की स्थापना करना है। कोशिश तो हमारी प्रधानमंत्री इसकी माँ का भोला चेहरा। बताइए देश के इतने बुरे दिन आ गए कि ऐसे ऐसे लोग भी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आप लोग ने देखा किस तरह से ढोंगी बाबा को सर ने किस तरह से धोया है और आगे भी इस तरह की इनका धुलाई होने वाला है। या वो ये ढोंगी बाबा हो, या वो मनीष कश्यप हो, या वो जो भी हो। मनीष कश्यप का रिसेंटली अभी वो वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पठान फिल्म के जितने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ रहे हैं वो सारा फेक है, वो सारा फेक रिपोर्ट है। अरे तू ही मनीष कश्यप है जो कह रहा था चैलेंज लगा के दिखा, जो पठान फिल्म फ्लॉप होगी और चैलेंज लगाने के लिए तू बहुत ज्यादा उछल रहा था और तुम्हारा चैलेंज की धरा रह गया। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कह रहे थे पठान फिल्म फ्लॉप होगा, लिख लो नहीं तो मेरा नाम बदल देना। हाँ नाम तेरा बदल दिया मैंने, तेरा नाम टट्टीबाज रख दिया और आज से तुझे टट्टीबाज ही कहूंगा और आगे भी सभी लोग टट्टीबाज कहेंगे। अगर आप लोग को भी कहना है तो नीचे कमेंट में टट्टीबाज लिखो, बॉयकॉट गैंग टट्टीबाज, और इस तरह की उनका नाम होना चाहिए और ये दोबारा हिम्मत ना करे जो इस तरह की कोई भी फिल्म को लेकर विरोध करे। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म भी
बहुत ही शानदार होने वाली है, जैसे जवान, डंकी, कई सारी फिल्म आएगी। तो मैं उन टट्टीबाज को कहना चाहूंगा जो तुम्हारा आज से नाम टट्टीबाज है, और जिस तरह की पठान फिल्म को लेकर इन्होंने विरोध किया है, या वो कोई भी हो, या वो ढोंगी बाबा हो या मनीष कश्यप हो, सबका अच्छे खासे रिलाई किया गया है। कश्यप को तो हम लोग बहुत खोज रहे हैं, मनीष कश्यप मिल नहीं रहे हैं। मनीष कश्यप मिल जाए तो फिर उनकी हम डॉक्टर हूँ, और जो पागल पागलों का डॉक्टर हूँ, जो पागल है मैं उनका इलाज करना बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। नहीं है ऐसा है, वो कोई पत्रकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चड्डी छाप व्यक्ति है, और चड्डी छाप पत्रकार है, मोदी मीडिया वाला पत्रकार है जो सरकार के इशारे पे चलता है, नफरत फैलाने का काम करता है। मैं कश्मीर फाइल भी देखने गया था, मैं कश्मीर फाइल भी इसलिए देखने गया था कि मैं ये देखने गया था कि जिस कश्मीर फाइल के लिए लोग अफवाह फैला रहे हैं, क्या वो सच, वो कहानी सच है? उसके विरोध करने से शाहरुख खान का इतना भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो विरोध करता रहे। और रही बात आपने फॉलोअर की कही है, इतने उसके फॉलोअर होते तो वही मनीष कश्यप जब इंटरव्यू ले रहा था तो किसी पत्रकार ने उसको भरे लोगों के बीच में तमाचा जड़ दिया था, यही उसकी इज्जत है। सुनिए, वो भगवान नहीं है। अभी उनका लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पठान फिल्म फ्लॉप होगी, जोर शोर से कहा था, चैलेंज किया था। प्रसिद्ध पत्रकार थे भाई, उनकी बातों पे पूरा दुनिया गौर करता है, करा लिए होते फ्लॉप। मनीष कश्यप की हैसियत है कि शाहरुख खान का विरोध करने के लिए, शाहरुख खान का विरोध करेगा? मनीष कश्यप ने शाहरुख खान का विरोध नहीं, पठान का विरोध किया। उनकी औकात है पठान मूवी का विरोध करें? पठान का विरोध मतलब शाहरुख खान का विरोध, मैं खुला खुला बोल दे रहा हूँ। और शाहरुख खान का विरोध इसलिए है कि शाहरुख खान एक मुसलमान है, शाहरुख खान एक मुसलमान है। ये बकचोद अंदाज़ इसकी माका ये वही इंसान है जो आज से चार दिन पहले बहुत खिलखिला के हंस रहा था। ये इसके लिए खिलखिला रहा था कि सुबह सुबह इसने जो सुअर के गु का सुरमा लगाया था उसका नशा ही ऐसा होता है। झाड़ू डालकर तबीयत से मोर बनाकर उसी राजीव चौक के मेट्रो के सामने नचाया जाता है। लेकिन इस भोसड़ी वाले और भड़वे को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि पठान जो है पहले दिन ही सुपर हिट हो गए। तभी उस दिन ये बौखलाहट में नाच रहा था। मियां खलीफा से याद आया, आजकल वो बदबू पांडे नहीं दिखाई दे रही है जो मियां खलीफा जैसा चश्मा पहन के लोगों का एंटरटेनमेंट करती है। शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया। जब पिछवाड़े में नहीं होगा तो बीच में कहे होगा। हम पूरे देश के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, इस फिल्म को धूल चटाओ। वो कह रहे हैं कि मैं छोटी छोटी ये हवाओं से नहीं, ओ शाहरुख खान छोटी छोटी हवाओं से नहीं, तुझे चल से उखाड़ के सनातन को फेंक दिया। लोग प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि मेरे आदमी को शाहरुख खान ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं भाई? आप ये समझे, शाहरुख खान को जो है वो मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं। शाहरुख खान कोई खो हो गया है कि उसके आदमी ढूंढ रहे हैं और अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। और वो जो है वो चमड़ी भी उधेड़ने की बात कर रहा था। तो ये है बाबा संत परमहंस, ये देख लीजिए, आप सभी लोग जानते होंगे ना, इनका नाम है संत परमहंस। ये पहले ये हर समय विवादित बयान देते रहते हैं। पहले इन्होंने बयान दिया कि इस देश के अंदर अगर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, तो इन्होंने जल समाधि नहीं ली। फिर इन्होंने कहा कि शाहरुख खान का जो है वो बायकॉट करेंगे, फिर चमड़ी उधेड़ने की बात करी, और शाहरुख खान को जो है वो इनके लोग ढूंढ भी रहे थे। ये जो है सिर्फ कुछ नहीं करता है बाबा, सिर्फ देश के अंदर बोलने का काम करता है और देश के अंदर आग लगाने का काम करता है। इन बाबाओं का एक ही काम है, सिर्फ पॉपुलैरिटी बटोरने का। ये लोग क्या करते हैं, और मैं आपको बताऊँ, भक्तजन जितने भी हैं, सारे भक्त जो है वो सब फिल्म देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और पता है कैसे पहुंचे हुए थे? एक फिल्म आपने देखी होगी जिसका नाम था सूर्यवंशम। सूर्यवंशम फिल्म में जिस प्रकार से आप देखते हैं वो ठाकुर भानु प्रताप अपने बेटे के हॉस्पिटल का उद्घाटन को देखने के लिए चुपचाप कंबल ओढ़कर जाता है ना, बेचारे भक्त लोग भी सारे ऐसे थिएटर में पहुंचे हुए थे और फिल्म देख रहे थे दबाकर। ये लोगों ने खूब फिल्म देखी और आपने देखा ही कि फिल्म ने कलेक्शन कितने बड़े लेवल पर किया है। ये लोग सिर्फ ये चीज चाहते हैं कि इस देश के अंदर की जो खूबसूरती है यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो समाप्त हो जाए। यहाँ इतने सारे लोग पीछे खड़े हैं, ये हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और सब लोग जो है वो पठान फिल्म को देखने गए। गए या नहीं गए भाई? आप ये सभी लोग फिल्म को देखने के लिए गए। और मैं आपको बता दूं, फिल्म को देखने का मकसद ये नहीं था, फिल्म देखने का नाम है कोई शौक है, नाम फिल्म देखने के लिए गए। हम लोग गए सिर्फ नफरत के खिलाफ, नफरत के खिलाफ एक अमन का पैगाम देने के लिए। हमने कहा कि आप नफरत बांटिए, हम प्यार और मोहब्बत बांटेंगे। इन लोगों ने बायकॉट काम करने किया काम किया, 2 महीने से ये लोग बायकॉट कर रहे थे। 2 महीने से बेचारे 2 महीने से लगातार लगे हुए थे। ट्विटर चलाना इनको आया था नहीं, फिर भी ट्विटर पे ट्वीट करे जा रहे थे। बाबा को जो है वो आज चुल्लू भर पानी में डुबा देते हैं। ये आप देख रहे हैं बाबा जी का पाप का घड़ा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बाबा जी का पाप का घड़ा,
और ये है बाबा जी, ये बेचारे जल समाधि तो ले नहीं पाए सरयू नदी में, तो मेरे पास में चुल्लू भर पानी है। ये चुल्लू भर पानी आप सभी लोग देख रहे हैं, इस चुल्लू भर पानी में बाबा जी को हम सभी लोग डुबाने का काम करेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर दोबारा नफरत पैदा करने का काम ना कर सके। और पहले इन बाबा जी ने कही थी कि इनके इनके जो आदमी है वो शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढ रही है बाबा जी इस देश की जनता आपको कि आप कहाँ हैं, कहाँ है आपकी बायकॉट गैंग। जब इस देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब इन बाबाओं के मुंह पर ताला लग जाता है। आपको पता होगा नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को देश की राजधानी में 8 किलोमीटर तक घसीटा गया। वो बेटी कोई मुसलमान की नहीं थी, वो हिंदू की बेटी थी, लेकिन इन जैसे बाबाओं के मुंह पर ताला लग जाता है। जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब इन बाबाओं के मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन जब बात हिंदू और मुसलमान की आती है तो बाबाओं के मुंह ऐसे लंबे लंबे खुलते हैं। और ये इन्हीं बाबा की बात कर रहा हूँ, बाकी इस देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो प्रेम का, अमन का, चैन का, स्वार्थ की बातें करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज को आपने देखा होगा जो प्रेम की बात करते हैं, जो ईश्वर से लोगों को जुड़ने की बात करते हैं। और धर्म की जो असली परिभाषा है, धर्म जो है वो लोगों से प्रेम करना सिखाता है। किसी भी धर्म के अंदर किसी भी मजहब से किसी भी व्यक्ति से नफरत करना नहीं सिखाया गया है। वरना कोई भी व्यक्ति मुझे कमेंट करके बताए नीचे अगर किसी धर्म के अंदर लिखा हो किसी धर्म को अपमानित करना। बहरहाल बाबा जी को जो है वो चुल्लू भर पानी फिल्म में भगवा का अपमान किया गया है। दीपिका पादुकोण को और कोई रंग नहीं मिला था, भगवा ड्रेस क्यों पहनी उन्होंने? एक बात आप मुझे बताइए, मनोज तिवारी आपका रिश्तेदार है या घर का संबंध है मनोज तिवारी से, ये बताइए ना आप मुझे। मनोज तिवारी ने नहीं करा भगवा का अपमान। मनोज तिवारी तो हाथ में नहीं, मनोज तिवारी तो हाथ में बोतल लेकर कहते हैं बीआरपी के नाचे लू छम छम छम, तब नहीं पूछा आपने। कांग्रेस की सरकार थी जब मनोज तिवारी ने ये डांस किया था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? अभी तो भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आ रही थी, ठीक है ना, और पोस्टर भी लगाती है हम दो हमारे दो। मनोज तिवारी तीसरी बार एक बच्चे का बाप बन जाता है, उस पे आप क्या कहेंगे? वो भी कांग्रेस की देन है। मनोज तिवारी ने जो पहना था वो बेशरम नहीं था। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो पहना था वो बेशरम रंग था। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप प्रमाण कर दें तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। आपने गाना सुना है उसमें नाम लिया गया किसी कलर का और इतने सारे कलर दिखाए गए हैं, बताए आपको कौन से कलर को बेशरम कहा गया है? बेशरम तो आप लोग हैं, आप लोग ही बेशरम है जो देश के अंदर महंगाई को ना दिखा के, बेरोजगारी को ना दिखाकर फिल्मों के ऊपर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। बेशरम तो आप लोग हैं। अगर आप लोग ये बेशर्मी वाली हरकत ही नहीं करते और ऐसे चुल्लू भर बाबाओं को आप इतना हाइप नहीं देते तो मेरे को नहीं लगता कि मोहित शर्मा को सामने आके बोलने की जरूरत। बाबा जी को शाहरुख का घर नहीं मिल रहा है, बता दीजिए एड्रेस है? बाबा जी को शाहरुख के घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है अभी। बाबा जी को फिलहाल अपना खुद का घर का एड्रेस नहीं मिल रहा। पुलिस तो जो है वो इन्हें तराश रही थी, पुलिस इनको नजर तो आ जाते है कहीं पे बाबा जी। पुलिस जो इनका ऑड और इवन सुझाती ना उसके बाद ये बोलते नहीं। एक वो देखा था नरसिंह आनंद आता था, बहुत जहर घोल कर जाता था, उस बेचारे को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुझे लगता है थाने के अंदर उसका ऑड और इवन दोनों सुझा दिए गए, उसके बाद वो बेचारा कुछ नहीं बोला। बहरहाल बाबा जी को भी जल समाधि दिलाते हैं, समय बहुत हो रहा है, तो आप सभी लोग जो है बाबा जी की जल समाधि में अपना योगदान दें। अच्छा। ये देखिए चुल्लू भर पानी बाबा जी के लिए डल रहा है मटके में, ये देखिए, इससे ज्यादा बाबा जी को जरूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए। और ये बाबा जी अब ले रहे हैं जल समाधि, तो आप सभी लोग देखिए बाबा जी की जल समाधि होते हुए। और इसी जल समाधि के साथ जो है ना, इसमें हम कामना करेंगे ईश्वर से कि इस देश के अंदर जितने भी नफरत है वो नफरत इसी समाधि के साथ यहीं से यहीं चली जाए, क्योंकि ये लोग जो है वो इस देश में नफरत का काम करते हैं। मैं इस मटके को फोड़ूंगा नहीं, वो इसलिए नहीं फोड़ूंगा क्योंकि बाबा जी जो हैं वो भी निकल के आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, समझ रहे हैं? दोस्तों ये वीडियो पर समाप्त हो जाते हैं, बात करते हैं इस वीडियो पे। तो इसमें ये लोग बाइकआउट कर रहे थे पठान की, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है इनका बाइकआउट करने का, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे को बेशरम भगवा रंग को बोला गया, लेकिन वीडियो में ऐसा कहीं भी नहीं है, मैंने ये वीडियो देखा था। और 2024 में आम चुनाव होने वाले, इसलिए ये लोग बीजेपी वाले स्पेशली चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और कोई ऐसा बयान दे दे जिससे ये लोग हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति में अपने फायदा कर सकें। और ये लोग जाहिर सी बात है बिना लॉजिक के हर एक चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करने लगते हैं, उसी पे है। और 2024 में हम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम कहना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।